आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि उसमें कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है। अगर मैं एक एआई रोबोट बनाऊं और उसे कहूं कि मुझे बाजार से कॉफी लाकर दो, तो वो सिर्फ कॉफी लाने का काम करेगा, चाहे उसे शॉपकीपर का कत्ल क्यों ना करना पड़ जाए। उसे ये ट्रेन करना पड़ेगा कि शॉपकीपर को नहीं मारना है, पूरे पैसे देकर आना है, चोरी नहीं करनी है, सड़क ठीक से क्रॉस करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीजें इंसानों में इनहेरिटेंस से आती है, कॉमन सेंस से आती है, जेनेटिकली आती है। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया था ट्विटर पे, जिसका नाम था टे। ये धीरे धीरे लोगों से ट्वीट्स एक्सचेंज करते करते सीखता जाता था और कुछ ही घंटों में ये इतना एग्रेसिव और इतना रेसिस्ट हो गया था कि माइक्रोसॉफ्ट को इसे शटडाउन करना पड़ा। रीजन क्या था? लोगों में रेसिज्म और हेट्रेड की भावनाएं इनहेरिटेड है, मगर उन्हें ये पता है कि कब उसे उजागर करना है, किसके सामने बोलना ठीक है, किसके सामने बोलना ठीक नहीं है। एआई चैटबॉट को ये चीज नहीं पता थी क्योंकि उसमें कॉमन सेंस नहीं था। इसका भी सॉल्यूशन है कि उसे पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाए एक एक चीज की, कि कब क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी। मगर हम कितना ही एक्सटेंसिवली ट्रेनिंग दे दें, कोई ना कोई चीज तो हमसे छूट ही जाएगी और एआई वहीं पर गलती कर बैठेगा। एआई की ऐसी बहुत सारी लिमिटेशंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया और यह भी बताया कि अगर एआई हम सबकी जॉब ले लेता है तो उस वर्ल्ड में हमारा क्या होगा। वीडियो का लिंक कमेंट्स में जाकर जरूर देखिए।